अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस आज का व्लॉग भी बड़ा अच्छा जाएगा, इंटरेस्टिंग जाएगा। तो गाइस आज मैं फ्लैश ऑन करके बना रहा हूं। तो गाइस जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, एंड बेल आइकन वो भी स्किप करें ताकि यार आने वाला व्लॉग आपके पास आता रहे। तो गाइस आज मैंने आपको बताया फ्लैश ऑन करके बना रहा हूं। आप भाई सोच रहे होंगे कि भाई रोशनी कैसी आ रही है। तो गाइस आज आपके भाई का माशाल्लाह में कुरान पाक भी मुकम्मल हो चुका है तुराई में। तो अब मैंने स्टार्ट करा दोबारा। तो अभी हम अकेडमी से आए, अभी हम चाय पियेंगे। चाय पी के चाय भी आपको दिखाते हैं, चाय रखती है और रस भी दिखाते हैं आपको। यार रस खाएंगे या ब्रेड खाएंगे तो इधर वो आपको दिखाएंगे। तो इधर आज का व्लॉग भी बड़ा अच्छा जाएगा और ठीक जाएगा। चले फिर चलते हैं, चाय लेने मम्मा ने बुलाया, चले फिर चलते हैं लास्ट को। तो इधर फाइनली मैं चाय ले आया था मम्मा से पकड़ के। तो इधर अब चाय भी आपको दिखाते हैं। चाय मम्मा मेरी बड़ी अच्छी बनाती है और बड़ी लजीजा चाय बनाती है। तो इधर आज हमारे खाने में पता नहीं क्या बना। तो गाइस आपको मिलते रहे अगले डे, आज अगले डे है माशाल्लाह के। तो गाइस हर जगह टैक लगे हुए हैं और यहाँ पे सोना लग रहा है वाला। तो गाइस अब लाइट भी चली गई है, देखिए अब मेरा मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब मैं फ्लैश ऑन करके बना लूँ तो मेरा चेहरा आपको नजर आ रहा होगा। तो गाइस अब चलते हैं फिर नीचे पापा की शॉप में। पापा की शॉप में जाके फिर हम बनाते हैं व्लॉग। अभी हम आपको दिखाते हैं चाय। चलो ठीक है। तो गाइस ये रही हमारी चाय, अब इसके साथ हम खाएंगे ब्रेड। तो आपको ब्रेड भी अभी दिखाते हैं। तो गाइस अब मैं खाऊंगा ये ब्रेड, तो फिर खा के फिर हम आपको बताते हैं कि कैसी मामा ने हमारी चाय बनाई और कैसे। चलो फिर चलते हैं, फिर पापा की फोन में शॉप में जाएंगे। फिर आज देखते हैं कौन से क्वेश्चन आंसर हमें मिलने को मिलते हैं और कौन सी एक्टिविटी मिलने को मिलती है, देखने को मिलती है। चलो फिर चलते हैं लेट्स गो। तो गाइस फाइनली मैंने चाय पी ली। अब तो गाइस अब जाएंगे पापा की शॉप में। पापा की शॉप में जाके फिर हम करेंगे क्वेश्चन आंसर होते हैं। चलें फिर चलते हैं लेट्स गो। चाय भी बड़ी मजे की थी और मामा ने बड़ी मजे की बनाई थी चाय। तो गाइस कल मैंने इसलिए लॉन्ग बनाया था, शॉर्ट बनाया था सॉरी। तो भाई कल मुझे टाइम भी नहीं था और अब मैं फारिग हुआ हूँ। वो कल जुमा जुमा तुम मुबारक हो आपको। मगरिब के बाद मैंने सुना जुमा बहुत ज्यादा शुरू, तो आपको मुबारक हो मेरी तरफ से सबको। तो फिर चलते हैं नीचे पापा की शॉप में। पापा की शॉप में जाके फिर क्वेश्चन आंसर करते हैं लेट्स गो। तो गाइस अब हम जाएंगे नीचे दिखाते हुए आपको कि भाई कैसे जा रहा हूँ, मेरे को भी हो रहा ना तो उसके। चले फिर चलते हैं नीचे। तो गाइस अब मैं फाइनली नीचे जा रहा हूँ, चले चलते हैं फिर चलते हैं। तो गाइस मैं फाइनली अपने पापा की शॉप में आ गया हूँ। पापा ने भाई यहाँ पे मॉल बना हुआ है भाई, आपको दिखाते हैं। ये देखे पापा ने कॉन्फ्रेंस चलाई है, ये देखे दिखाते हैं आपको। फिर ये देखे ये आग जली हुई है, बस थोड़ी सी रह गई है बस। अभी पापा क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्वेश्चन आंसर करके फिर हम ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके फिर ब्लॉग एंड करेंगे। तो ना फिर चलते हैं नीचे ही अभी रहेंगे, अभी हाथ से कहेंगे, हाथ से के करम शर्म होके ना फिर जाएंगे। के वेदर बड़ा गर्म हुआ है ये इस वक्त, तो दुकान भी बड़ी शॉप भी बड़ी गर्म ही हुआ है इस वक्त। तो भाई बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है यहाँ पे, तो हाथ से का बड़ा ही सुंदर। ये देखे भाई ये देखे और पतिया पापा जला रहे हैं, तो फिर इनको सेक के फिर हम कहीं पे बैठे हुए हैं, गर्म शर्म होकर फिर हम जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आप सब ठीक हैं? पापा जी आ जाओ अपने क्लब में। मैंने ये बनाई है ट्रे, इसमें आप केक भी रख सकते हैं, इसमें बड़ी चीजें रख सकते हैं। ये डेकोरेशन पीस है और काफी अच्छा लग रहा है ये देखने में। आप कैसा बना हुआ है ये, ऐसी लकीर ठोक के रखा जा सकता है, कोई और भी चीजें जो होती है या मेहंदी के डिजाइन या जो भी इसमें रखी जाती है, बड़ा बड़े अच्छे मतलब इसमें रख के ना सजा के इसको, तो इसमें रखा जाता है। कई लड़कियां क्या शादी में लेके जाती हैं वो इसमें मेहंदी रख के लेके जाती हैं। अभी ये तैयार चीज है, ये डेकोरेशन पीस हमने बनाया है, आज आपको दिखा रहे हैं और इंशाल्लाह आपको कल तैयार जब हो जाएगा फिर आपको कल दिखाएंगे। बड़ा अच्छा जाओ घर जाओ। तो गाइस फाइनली अभी लाइट आ चुकी है, लाइट की तरफ देखें यार, लाइट को भी दौड़े पड़ते हैं यार, पता नहीं कैसे दौड़े पड़ते हैं। तो गाइस अभी इसको साइड में रखते हैं, तो जब फाइनली तैयार हो जाएगा ना पूरा, तो फिर हम आपको दिखाएंगे सारा पिंजरा। ये
पापा जी अब आप क्या निकाल रहे हैं? मैं आपको दिखाऊंगा ठीक, अच्छा ये मैं आप ना क्या ये मैं देखे आया हूँ, ये आगे पीछे छोटे बड़ी अच्छी टेप है, छोटे ये भाई, ये बहुत क्वालिटी भी मुझे अच्छी लग रही है। हाँ अच्छी क्वालिटी है। और जी बहुत अच्छी मैं आपको क्वालिटी। सामान दिखाता हूँ, ये गोल्ड फिश की डब्बी देखी है, ये देख सकते हैं ये आप, भी बहुत चली हुई है, गोल्ड फिश की डब्बी तो घर बड़ी काफी चली मांग हुई है, है, तो बड़ी कस्टमर अच्छी यही डब्बी डब्बी मांगता है गोल्ड फिश की। तो इसमें स्मॉल साइज भी आता है, वो भी हमारे पास दस्तयाब है। तो गाइस मैंने आपको एक मेरा दिखाना था, वो ना कस्टमर उसका कस्टमर भूल गया, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। जो मैंने आपको दिखाया था वो फाइनली तैयार हो गया, वो कस्टमर अभी तक नहीं आया लेने, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ एंड पे। ये सबसे मांग पहले कर रहा है, पॉइंटर ये आपको दिखा रहा हूँ मैं, पहुंच के आपको ये दिखाऊंगा, भी बड़ी अच्छी इसका कंपनी का टोलर का पॉइंटर का पॉइंटर बोल्ट। हाँ जी ये भी बड़ी अच्छी कंपनी का पॉइंटर है, तो ये भी कस्टमर बड़ा मांगता है। तो अब हम दिखाएंगे आपको पिंजरा, पिंजरे का भी जिसने लेना हो वो आ सकता है हमारे सामने, शेख चरखारा के सामने हाँ अपनी तारीख बिल्डिंग, तो इसके सामने हमारी शॉप है, आपको दिखा देते हैं फिर चले चलते हैं फिर। चले कैमरा बंद अंदर है ये पिंजरा, तो ये आ गया। तो ये पिंजरा जो मैंने आपको दिखाया था, तो ये पिंजरा तो ये कस्टमर मिल गया, तो ना ये बहुत बड़ा पिंजरा, जिसमें लेना हो वो हमारे नंबर से नंबर भी आपको दे देते हैं। चले फिर चलते हैं भाई, चले फिर चलते हैं भाई। आमिर चलिए तो काफी, तो कहा यार मैं फाइनली अपनी शॉप पे आ गए, तो अब चाचू से मिलवाते हैं। चाचू ने तो उन्होंने बनाया, वही अपना फोन नंबर देंगे, तो उनका ये काम है पिंजरों का, तो बड़े अच्छे स्पेशल पिंजरे बनाते हैं बड़े अच्छे तरीके से। तो कहा यार आज मेरा कजन वो बना रहा था, तो आज मेरा कजन कह रहा है यार मैंने ब्लॉग बनाना, मैंने ब्लॉग बनाना भैया आपका, तो उसने फाइनली मोबाइल पकड़ा हुआ मेरा, तो वो आज मेरा ब्लॉग बना रहा है, तो इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि भाई वायरल जाएगा। तो वो बड़े अच्छे तरीके से बना रहा है, तो जब लाइट गई थी तो उन्होंने एक मोबाइल वगैरह मांगा जो ऐसे रोशनी आ रही थी, तो फिर हम चाचू से मिलवाते हैं आपको। तो कहते चाचू ने मुझे, तो कहते चाचू ने मुझे नंबर बता दिया है, तो उनका ये नंबर है 0300 19 46 15, 0300 19 46 15 319। तो कहते मेरे चाचू का ये नंबर है 0300 24 46 15 319। तो कहा यार उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।